ये कंपनीज के दलाल है, कंपनीज के दलाल है। ड्रग्स लिखते हैं तो कंपनीज के बेनिफिट के लिए, यहाँ चूंकि मैं खुद भी बेनिफिट हासिल बिल्कुल कर रहे हैं। मैं खुद भी तो ये वो लोग समझते हैं डॉक्टर नहीं है, ये दलाल है, ये हमको बेचते हैं। कभी सीटी स्कैन वाले को बेचते हैं, कभी एमआरआई वाले को बेचते हैं, कभी उसको बेचते हैं, कभी इसको बेचते हैं। आप इत्तफाक करेंगे इसे या नहीं करेंगे, मगर ये मैं किसी हद तक ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मैं खुद 20-22 साल प्रैक्टिस में भी रहा था और मैं पेरिफेरी एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं बहुत काम किया। देखिए एक डॉक्टर साहब की ये हॉस्पिटल में अच्छी तरह से पेशेंट को अटेंड नहीं करता है, ये हॉस्पिटल में भी बैठकर उसको बोलता है क्लिनिक पर, प्राइवेट क्लिनिक पर आ जाइए, ये भी एक मैसेज की है। बिल्कुल, तो इस वजह से भी गरीब लोग हॉस्पिटल आने से, अगर आप मुझसे इत्तफाक करेंगे, जो भी सिक्किम किसी भी डिपार्टमेंट है मैं गवर्नमेंट में, पता है उनको ये एक हमारा सेटअप माइंड सेट है कि गवर्नमेंट में शायद मतलब थोड़ा सा लो क्वालिटी है, ये माइंड सेट है, इसको हमें चेंज करना है, अवेयरनेस। नाज़रीन, आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में हमने दावत दी है डॉक्टर जावेद इकबाल साहब को, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। पहले इनका खैर मकदम करते हैं हम प्रोग्राम में आने का, और डॉक्टर साहब का तहे दिल से हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। डॉक्टर साहब इस वक्त जीएमसी में बैठे हैं, जीएमसी बारामूला में बैठे हैं, इन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां अब इनके कंधों पर आ पड़ी है। तो डॉक्टर साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि इन जिम्मेदारियों को डॉक्टर साहब किस तरह से देखते हैं और किस तरह से निभाते हैं, जो यहाँ जीएमसी बारामूला में लोगों के मसले और मसाइल है, पेशेंटों के मुतालिक जो मसले और मसाइल है, स्टाफ से मुतालिक जो मसले और मसाइल है, डॉक्टरों से मुतालिक जो मसले और मसाइल है, डॉक्टर साहब किस तरह से इन मसले और मसाइलों को देखते हैं और किस तरह से इनका सॉल्यूशन चाहते हैं और किस तरह से ये काम करते हैं, ये भी जानेंगे हम इनसे। मगर सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि एक मुख्तसर सा तारुफ दीजिए डॉक्टर साहब। जी जय साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ लाया आज मुलाकात के लिए। पहले नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर जावेद इकबाल रिसेंटली यहाँ अपॉइंट हुआ हूँ एज मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीएमसी बारामूला एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल। मैं एज बीएमओ क्रीरी से यहाँ पर हाल ही में मुझे तैनात किया गया। तो यहाँ पर आकर यहाँ पर अपने मसले हैं जिनका हमारी कोशिश रहती है कि हम उनका अजाला जल्द से जल्द और मुनासिब तरीके से करें। हमारी ये कोशिश रहती है कि यहाँ पर चूंकि आपको पता ही है लोगों का बहुत, पेशेंटों का रादर बहुत तादाद में यहाँ रोज़ आते हैं। मेरे ख्याल में 1500-2000 पेशेंट यहाँ रोज़ यहाँ उनका आना होता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में। चूंकि ये अब अपग्रेड हुआ है, दो साल पहले 2019 में ये जीएमसी डिफ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कन्वर्ट किया गया है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ये उन 5 नए मेडिकल कॉलेजों में भी आता है, जम्मू कश्मीर के 5 मेडिकल कॉलेजों में ये 2019 में ही इसको अपग्रेडेशन मिली है। अपग्रेडेशन के साथ साथ हमारी चैलेंजेस भी बढ़ रही हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का एक लेवल होता है और जीएमसी का उससे कहीं ज़्यादा लेवल। इस सिलसिले में गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द हम तमाम वो सहूलियत लोगों को मैसर, पेशेंट्स को मैसर रखें जिनका ऑन एन एवरेज किसी भी मेडिकल कॉलेज की सतह पर होना चाहिए। लेकिन चूंकि आप बखूबी आप इसी डिस्ट्रिक्ट से
ताल्लुक रखते हैं, चूँकि ये एक कोई छोटा मोटा इदारा नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश रहती है कि जितनी जल्द हो सके कि हम उस लेवल तक पहुंच जाए जहां पर एक आम आदमी, एक आम पेशेंट भी मुतमईन रहे कि हम जीएमसी लेवल तक हमारी सहूलियात पेशेंटों के लिए मैसर होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला इस वक्त फर्स्ट स्टेज में है, पहला ही शुरुआती स्टेज है इसका, बर्डिंग स्टेज है। डॉक्टर साहब इसमें कुल फैकल्टीज कितनी है अभी इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ? जैसे कि आपको पता ही कि एक जीएमसी के बेसिक फैकल्टीज सभी हैं, जैसे मेडिसन है, सर्जरी है, गाइनी ओबस्टेट्रिक्स है, कम्युनिटी मेडिसन है, और चूंकि आप बखूबी जानते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी दो बैच एमबीबीएस के ज़ेर तालीम ऑलरेडी है, और इंशाल्लाह इस साल हम तीसरे बैच का भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो ही नीट का रिज़ल्ट आएगा तो तीसरा बैच भी इस यहाँ आने वाला है। इसका मतलब यह है कि हमारे 300 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, इस वक्त एट प्रेजेंट 200 स्टूडेंट्स हैं और 300 स्टूडेंट्स, उस हिसाब से बाकी जो भी एक जीएमसी में होना चाहिए नॉन क्लिनिकल जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें फिजियोलॉजी आती है, फार्माकोलॉजी आती है, हेमाटोलॉजी, बाकी चीज़ें जो भी फॉरेंसिक मेडिसिन है और भी है, वो सब यहाँ पर मैसर है। लेकिन आपको पता ही है कि शदवुमद से हमारे बिल्डिंग 11-12 यहाँ बन इस ज़ेर तमीर है, उसमें हॉस्टल भी है, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। तो फिलहाल हम मेक शिफ्ट में इसी पुराने ज़िले हस्पताल में हमें गुजारा करना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत इसमें इंटरेस्ट लिया जा रहा है, और इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स हमारी ये मसला भी किसी बहुत हद तक सॉल्व होने जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एट प्रेजेंट हमें जगह की बहुत कमी है, जिस वजह से लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और हमारे फैकल्टी या पैरामेडिकल या टीचिंग स्टाफ हो या और भी अमला हो, मिनिस्ट्रल स्टाफ हो, एनएचएम स्टाफ हो, कोई भी दिक्कतें अभी हैं क्योंकि जगह की बड़ी कमी। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अभी वो कौन सी फैकल्टी है जिसकी हमें ज़रूरत है मगर है नहीं हमारे पास? ऐसा फिलहाल हमारे मेरे ख्याल में सब डिपार्टमेंट्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, सिर्फ जगह की थोड़ी सी कमी है। टीचिंग भी अच्छी हो रही है माशाल्लाह, स्टूडेंट्स भी बड़े रेगुलरली क्लास लिया जाता है उनको, और साथ ही साथ हमारे जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो भी अच्छी तरह चल रहा है। लेकिन यहाँ मैं फिर ये वाजह करना चाहता हूँ कि जगह की कमी की वजह से कुछ फुकदान है, जैसे कि हमारा सीटी स्कैन बहुत अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन एमआरआई एक होना चाहिए, यहाँ एटलीस्ट एक एमआरआई होना चाहिए, और उस एमआरआई के बाद जब यहाँ पर अच्छी सहूलियत बाकी भी रहेंगे, जैसे हमारा वो कैंसर एक अलग डिपार्टमेंट रिलेटेड ऑन्कोलॉजी वो भी होना चाहिए उस सिलसिले में, ऑन्कोलॉजी क्योंकि आपको पता ही है कि कश्मीर में मुख्तलिफ जो इस खतरनाक बीमारी के मुख्तलिफ जूझ रहे हैं पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं, उनको श्रीनगर जाना पड़ता है, उनको यही तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे डॉक्टर साहब, एक ऑन्कोलॉजी का अलग फैकल्टी नहीं है, और रेमाटोलॉजी भी नहीं है। रेमाटोलॉजी हमारा फिजिकल मेडिसिन है। अच्छा फिजिकल, थोड़ा हमारे कुछ प्रोफेसर साहब भी एक रिटायर एचओडी उसमें है। अच्छा, लेकिन बस जगह की कमी की वजह से वो फुली अभी काम कर रहे हैं वो, लेकिन जितना उनके पास मैसर होना चाहिए स्टाफ वो अभी उसका अभी आने वाले वक्त में उसका अजाला हो जाएगा। तो ऑन्कोलॉजी पर क्या कहेंगे? इस तरह ऑन्कोलॉजी में भी हमें रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे पास ये है फैकल्टी है, लेकिन अगेन वो फुली अभी ऑपरेशनल नहीं है जैसा होना चाहिए। उसमें हमारे प्रिंसिपल मैम वर्दी बड़ा उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से टेकअप मैटर किया है इस सिलसिले में, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जो ही हमारे पास जगह की दस्तियाबी मैसर होगी
क्योंकि हमारे 11-12 बिल्डिंग है इस वक्त ज़ेर तमीर है, आप खुद भी देख सकते हैं शदवमत से काम हो रहा काम है। लेकिन जी वो हो जाएगा फिर ऑपरेशनल मैक्सिमम, मेरे ख्याल 99% हमारा ऑपरेशनल हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, पेशेंट ज़्यादा क्यों प्राइवेट क्लिनिकों की तरफ रुख करते हैं, अगर यहाँ पे प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, डॉक्टर साहिबान है या फिर स्पेशलिस्ट फिजिशियंस है, तो प्राइवेट क्लिनिकों की तरफ क्यों रुख करते हैं बजाय इसके, जैसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल जो टीचर वहाँ पढ़ाते हैं तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं, वो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये मामला क्या है सर? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल, लेकिन मेरा मुशाहिदा, जैसे 27-28 साल से डिपार्टमेंट में हूँ, लेकिन मैंने ये खुद देखा, ये मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप इसके साथ इत्तेफाक करेंगे या ना करें। जब आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो आपको नेचुरली, चाहे आप दिल्ली में जाएं, यहाँ जाएं, जम्मू में जाएं, श्रीनगर में जाएं, कुछ दिक्कतें होती है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रश होता है। तो हमारा एक बहुत बड़ा पोर्शन वो नहीं इंतज़ार करना चाहता, जो वेल ऑफ थोड़े से हैं, जिनको कर सकते हैं बर्दाश्त, आसुदा हाल जो कर सकते हैं बर्दाश्त, वो उनके पास इतना टाइम नहीं रहता। वो बोलते हैं जहां हम इस बीमारी को देखने के लिए पूरा दिन, वहां हम प्राइवेट सेक्टर में एक ही घंटे में कर रह सकते हैं। ये हमारा वो मेंटल सेटअप है, बाकी हमारे दस्तियाब रहती है सहूलियात, थोड़ा सा हर एक को इंतजार करना पड़ता है। जैसे किसी को डॉक्टर साहब ने टेस्ट पॉइंट लिखे, इसमें तो 2 घंटा लगेगा, टेस्ट विद इन मिनट्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है लेबोरेटरी का कितना रश होता है यहाँ, या किसी भी आप जाए के 11 बजे 10:30 के बाद आप देखेंगे 2 बजे तक चलने के लिए फिरने के लिए जगह नहीं मैसर होती है, क्योंकि बदकिस्मत से पेशेंट हमारा ये चूंकि जगह की थोड़ी सी कंजेशन है, उस वजह पेशेंटों का ज़्यादा तादाद में आते हैं, तो उस हिसाब से हमें कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन कश्मीर में एक बड़ा पोर्शन जो आबादी का, वो नहीं इंतज़ार करता है। अब जो बेचारा एफर्ट नहीं कर सकता, वो बेटर बोलता है गरीब एक ही दिन, गरीब लोग वो बोलता है एक ही दिन चलिए लग जाए तो, या 2 दिन लग जाए तो मैं यहाँ पर, वो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट वो बेटर होती है गवर्नमेंट सेक्टर में। मैं उस मामले में कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कहीं प्राइवेट में कुछ खास ज़्यादा मिलता है, लेकिन प्राइवेट में इतना ही टाइम कंज्यूम कम होता है, यहाँ टाइम ज़्यादा लगता है, तो बाकी क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट उसमें उतनी फ़र्क नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैसेज क्यों लोगों में गई है कि जो GMC में या SDH में या DH में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर साहब पेशेंट्स की तरफ तवज्जो कम देते हैं, अटेंशन कम देते हैं बनस्बत प्राइवेट क्लिनिकों से? प्राइवेट क्लिनिक में ज़्यादा करूँगा मैं मैसेज लोगों में, डॉक्टर हूँ एक, हो सकता है किसी डॉक्टर साहब का अप्रोच गलत होगा, लेकिन जब भी शिकायत आती है हमारे प्रिंसिपल मैम उसमें बड़ी मतलब उसमें सख्तगी रुख उसने अपनाया। रिसेंटली उसने बिल्कुल मीटिंग तलब की, उसमें मैं भी था, उसने क्लियर कट डायरेक्शन दिए हैं कि ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, वर्किंग आवर्स, अगर कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस में मुलविस होगा तो अगर हमें उसके सबूत मिलेंगे या शिकायत आएंगे, हम उसका एक्शन अंडर रूल्स लेंगे। मेरी डॉक्टर साहबान से भी गुजारिश है, लोगों से भी गुजारिश है कि वो चूँकि और कुछ ज़ुमरे के डॉक्टरों को हमारे यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं, उसमें एज पर गाइडलाइंस है, मेरी लोगों से मौतमाना गुजारिश है उनको भी, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा रुख गवर्नमेंट हस्पतालों का करें तो ये रुझान भी किसी हद तक हम काबू पाएंगे इस पर। लेकिन कुछ डॉक्टर साहबान, मैं यहाँ आपसे इत्तेफाक करूँगा, कुछ डॉक्टर साहबान हो सकता है गलत करें, लेकिन लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, अगर प्रॉपरली हमारे पास शिकायत आती है तो हम उसका बिल्कुल एज पर रूल्स हम उसमें एक्शन लेते हैं। जी जी सर, डॉक्टर साहब, अच्छा ये लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स जिनको जहाँ पर ड्यूटी होती है वो अक्सर लेट आते हैं, 10 बजे नहीं
साढ़े दस भी नहीं, 11 बजे आते हैं या उससे उसके बाद में आते हैं, फिर 2 बजे चले जाते हैं। तो ये एक मैसेज अगर मैं यही आपसे गुजारिश है कि रिसेंटली हमारा ये एक सर्कुलर भी गवर्नमेंट से आया है, मैं खुद भी आजकल बायोमेट्रिक अटेंडेंस करता हूँ, तो आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। एज पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस ही निकलेगा, ये नहीं हो सकता है, पे भी निकल सकता है और उस पर ड्यूटी हावर्स क्या है एक डॉक्टर साहब के या पैरामेडिकल स्टाफ? देखिए हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता है कि हर डॉक्टर दिन में होगा, क्योंकि हमारे शिफ्टिंग है ना, वही है ना, इट डिपेंड्स अबाउट मेजर्स बता रहा हूँ, उसी कैटेगरी के डॉक्टर साहब ये बिल्कुल हावर्स बता रहा हूँ, रोस्टर नहीं वो आवर के हिसाब से हम ज्यादा ही देते हैं। अच्छी बात नहीं, मैंने खुद 22 साल नाइट ड्यूटीज भी दी है पेरिफेरी में, हम बिल्कुल 24 घंटे देते तभी एक दिन मिलता था ऑफ। लेकिन क्या है बेसिकली हमारे कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरीज डॉक्टर्स की होती जी, जैसे सीनियर मोस्ट उनको तो नाइट नहीं होती, उनको अपना 10 से 4:30 तक यहाँ रहना है। इसी तरह जो नाइट शिफ्टिंग है उसको अपने हिसाब से ऑलरेडी एज पर गाइडलाइंस एज पर रूल्स उसको कितने बजे आना, नाइट कितनी देनी है, ऑफ कब लेना है उसी हिसाब। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है फलानी डॉक्टर नहीं है, उसका कभी होता है कि नाइट ऑफ होता है, उसे नाइट दी होती है तो उसको एक ऑफ मिलना जायज़ है। तो हमारे शिफ्टिंग हिसाब से एज पर रोस्टर जब भी कोई डॉक्टर साहब एब्सेंट पाया जाता है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एज पर रूल्स कार्रवाई की जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ है जो लेडीज गैनी पेशेंट्स में बिल्कुल मैसेज गई है, बड़ी अफसोसनाक भी है और दिल का दिल दुखद भी है। गैनीज जो डॉक्टर है प्राइवेट क्लिनिकों से उनको एडमिट कराते हैं, पहले वहाँ फीस लेते हैं, सब कुछ वगैरह वगैरह करते हैं उनसे, तो फिर जब उनका वो फाइनली आता है टाइम डिलीवरी का तो उनको एडमिट यहाँ कर लेते हैं, तो उसका वो अटेंशन अटेंड कर लेते हैं। बाकी जो पेशेंट होते हैं जो उसके थ्रू से यहाँ एडमिट नहीं हुए होते हैं ना, उनकी तरफ वो अटेंशन नहीं देते हैं। ये अक्सर शिकायत आ रही है गायनेकोलॉजिस्ट से। हो सकता है कहीं कहीं पर ये शिकायत दुरुस्त भी हो, लेकिन अगर हमारे पास प्रिंसिपल मैम यहाँ हैं, मैं हूँ या अगर हमारे पास रिटर्न कुछ आती है शिकायत, तो हम उसका बाज़ाब्ता पर कमेटी बिठा कर उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन यहाँ मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि प्राइवेट क्लिनिक में जाने से बेहतर है हमला ख्वातीन को यहाँ पर हर सहूलत मैसर है, और अंडर JSK प्रोग्राम और भी कुछ NHM के तहत वो प्रोग्राम कुछ आते हैं, उनका हमेशा टेस्ट फ्री होते हैं, गवर्नमेंट ने बिल्कुल फ्री रखा है हमला ख्वातीन के लिए। ड्यूरिंग ऑल दीज 9 मंथ्स उनको कोई भी टेस्ट, जो भी टेस्ट मैसर हमारे पास हैं उनका हम चार्ज नहीं करते। नंबर 2, उनका ड्यूरिंग ऑपरेशन सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, उस दौरान जब वो यहाँ पर एडमिट होते हैं उस दौरान जो भी ट्रीटमेंट उनको मिलता है वो फ्री मिलता है, उसके बाद जो दवाई उनको 7 दिन 10 दिन के लिए वो भी मिलता है, उनको ड्रॉप करने के लिए जैसे ब्लॉकों में भी है आने जाने का, हम आपको शायद यकीन नहीं होगा हमने एक गाड़ी इसके लिए अलग रखी है, जो परसों ही एक दो पेशेंट ऐसे थे कि उड़ी साइड से थे, 3 फेरे दिन 24 घंटे में उनको लेना पड़ा, घर ड्रॉप भी करते हैं। अब अगर लोग इसका फायदा नहीं उठाएंगे, इस्तेफादा इससे नहीं हो जाएगी, तो ये हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि लोग जाते हैं, अगेन मैं वही कहूँगा, अपनी सहूलियत के लिए प्राइवेट। हो सकता है कोई डॉक्टर इसका गलत फ़ायदा भी उठा सकता, लेकिन जब हमारी नोटिस में आता है यूजुअली हम आप देखिए हमारे 30-40 डिलीवरियाँ होती हैं 24 घंटे में, चाहे सीजेरियन से चाहे नॉर्मल डिलीवरी से। अब अगर हमारे पास शिकायत नहीं आएगी रिटर्न तो हमें इसका पता नहीं चलेगा, लेकिन जब भी वक्तन फोक्तन कभी कभार शिकायत आती है तो उसका बाज़ाब्ता पर इन्वेस्टिगेशन होता है। यहाँ लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि चाहे टाइम लगे भी थोड़ा सा, 2 घंटे के बजाय 4 घंटे लगे, वो इन स्कीमों का भरपूर फायदा उठाए, और यही नहीं GMC नहीं ब्लॉक लेवल पर
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पीएससी लेवल पर गवर्नमेंट सेक्टर का फायदा उठाए। जी सर, डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि लोग अवेयर नहीं है इन जो जो प्रोग्राम सरकार चला रही है ये हेल्थ इश्यूज रिगार्डिंग, लोग अवेयर नहीं है इस सिलसिले में। कोई हेल्पलाइन भी होनी चाहिए जो जहाँ पर लोग मालूमात हासिल कर सकें। हॉस्पिटल में लेडीज़ के लिए ये फैसिलिटीज़ है, जेंट्स के लिए ये फैसिलिटीज़ है, एक हेल्पलाइन भी होनी चाहिए। तो जैसे किसी को कोई मुश्किल आए तो वो उस हेल्पलाइन से हेल्प ले सकते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इत्तेफाक़ करेंगे या नहीं करेंगे तो, मगर एक अफसोसनाक बात है, लोगों में एक मैसेज गई है, एक डॉक्टर का जो रेस्पेक्ट होता है ना समाज में, सोसाइटी में, ऊपर उठकर होता है। बिल्कुल जी जी, मगर एक नेगेटिव मैसेज गई है एक डॉक्टर से, एक डॉक्टर जब तो एक, मैं नहीं कहता हूँ सब ऐसे होंगे, एक दो या तीन वगैरह वगैरह, ये कंपनीज के दलाल है, कंपनीज के दलाल है, ड्रग्स लिखते हैं तो कंपनीज के बेनिफिट के लिए, यहाँ चूंकि मैं खुद भी बेनिफिट हासिल, बिल्कुल मैं खुद भी, तो ये वो लोग समझते हैं ये डॉक्टर नहीं है, ये दलाल है, ये हमको बेचते हैं, कभी सीटी स्कैन वाले को बेचते हैं, कभी एमआरआई वाले को बेचते हैं, कभी उसको बेचते हैं, कभी इसको बेचते हैं। आप इत्तेफाक करेंगे इसे या नहीं करेंगे, मगर ये मैं किसी हद तक ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मैं खुद 20-22 साल प्रैक्टिस में भी रहा था और मैं पेरिफेरी एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं बहुत काम किया। देखिए, किसी भी कम्युनिटी को अगर आप ले लेंगे, वहाँ सब गलत नहीं होते, अगर सब गलत होंगे तो निज़ाम ही नहीं चलेगा सर। लेकिन ये भी कहना दुरुस्त नहीं है कि सब ठीक है, सब ठीक है, ये मेरी पर्सनल है, चाहे मेरे डॉक्टर साहबान जो मेरे कुलीग हैं, सीनियर या जूनियर, इससे इत्तेफाक करें या न करें, ये एक ज़मीर, आपका अंदरूनी ज़मीर जो है वो कहता है, हो सकता है 10 डॉक्टर में एक या दो ऐसा भी होगा, तो बाकियों की जो वो इमेज है वो भी उससे रेपुटेशन भी खत्म खराब हो जाए। लेकिन मैं यहाँ इत्तेफाक ये नहीं करूँगा कि सब, इसमें बहुत लिमिटेड लोग ऐसे हैं बदकिस्मती से जिनका ज़मीर नहीं जागा है, सही बात है, तो उनकी वजह से सारी कम्युनिटी बदनाम होती है। लेकिन ऐसा है, मेरे नोटिस में भी बहुत बार आया, जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं था, उससे पहले मैं इत्तेफाक करूँ, मैं ओपन आदमी हूँ मैं इसमें, लेकिन मैक्सिमम लोग अच्छे हैं। जी जी जी, लेकिन अब एक 10% की वजह से 90% को पर हम ये नहीं डाल सकते गलती। हाँ सर, लेकिन वहाँ पर एक लॉ है, बाज़ाब्ता हम बंधे हुए हैं हर गाइडलाइंस लॉ से, जहाँ भी गलती होगी है होती है, अगर नोटिस में आएगा प्रॉपर फोरम में, तो वहाँ पर एक्शन होनी चाहिए, चाहे वो जीएमसी है, चाहे वो सीएमओ लेवल पर है, बीएमओ लेवल पर है, डायरेक्टरेट लेवल पर है, मेरे ख्याल में उस पर एक्शन होनी चाहिए अगर वो साबित होता है। बिल्कुल सर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ है, एक लेबर मजदूर रोज की उजरत उसको 400 या 500 है, बिल्कुल, यही लेबर जब एक डॉक्टर साहब के पास जाता है प्राइवेट क्लिनिक पर, वो उसे 500 रुपये फीस ले लेते हैं, 5 मिनट के 500 रुपये, ये इंसाफ का तकाजा है? बिल्कुल नहीं है, इसमें गवर्नमेंट ने वक्तन फवक्तन अपनी रेटें मुकर्रर की है, मुकर्रर कि किस डॉक्टर साहब लेवल को कितना फीस लेना चाहिए, तो उसमें अगर कहीं शिकायत आती है तो प्रॉपर फोरम पर रिटन कंप्लेंट करके उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अगर अब हर कोई बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा शिकायत करने, तो हम डॉक्टर इंसाफ की बात कर रहे हैं, इंसाफ जब हमें इंसाफ करना है, इंसाफ तो है नहीं, और जमीर का है, गुजारिश है इस गरीब से, जमीर का है, वो क्यों नहीं आएगा गवर्नमेंट सेक्टर में, क्यों वो देगा 500 जबकि उससे बेहतर डॉक्टर कभी मौजूद ज्यादातर होता है यहाँ, यहाँ पर ऐसे फैकल्टी प्रोफेसर जिन्होंने मुझे भी पढ़ाए। जी सर, तो मैं वो जब मेरे पास आते मैं खड़ा हो जाता हूँ, मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर, बिल्कुल बहुत काबिल है, जिन्होंने नाम कमाया, सुवरा से आए हैं, जीएमसी से आए हैं, श्रीनगर से आए हैं, जीएमसी इवन जम्मू से आए हैं, बड़े नामी गिरामान प्रोफेसर साहिबान है। लेकिन इसी तरह फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, हो सकता है कहेंगे, मेरी गुजारिश है कि अगर हमारा गरीब आवाम या कोई भी आदमी कोशिश करे
कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही अब अपना इलाज मालिश कर रहे हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी हम किसी को जबरदस्त नहीं करेंगे, आप नहीं जाए बिल्कुल नहीं, प्राइवेट अपनी मर्जी है हर एक की, लेकिन हमारा 24 घंटे खुला रहता है, जो भी सहूलियत मैसर हैं हम वो फराहम कर। डॉक्टर ऐसा तो लगता नहीं, इसकी एक वजह ये भी है जो लोगों में मैसेज गई है बिल्कुल एक डॉक्टर साहब की, ये हॉस्पिटल में अच्छी तरह से पेशेंट को अटेंड नहीं करता है, ये हॉस्पिटल में भी बैठकर उसको बोलता है क्लिनिक पर प्राइवेट क्लिनिक पर आ जाइए, ये भी एक मैसेज की है बिल्कुल। तो इस वजह से भी गरीब लोग हॉस्पिटल आने से, अगर आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे, जो भी स्कीम किसी भी डिपार्टमेंट है मैं गवर्नमेंट में, पता है उनको ये एक हमारा सेटअप माइंड सेट है कि गवर्नमेंट में शायद मतलब थोड़ा सा लो क्वालिटी है, ये माइंड सेट है, इसको हमें चेंज करना है, अवेयरनेस नहीं सिर्फ मेडिकल में नहीं, दूसरे हर जगह दूसरे सेक्टरों में, सेक्टरों में भी है। तो ये जब तक ना माइंड सेट चेंज होगा तो इसको एक बंदा मैं आप या चार आदमी ये नहीं कर सकते। जी 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 बिल्कुल ठीक कहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, गोल्डन कार्ड जो आम लोगों के पास इस वक्त है, जैसे सरकार दावा कर रही है 4 लाख 5 लाख तक अगर किसी का ट्रीटमेंट के लिए पैसा लग जाए तो वो सरकार देगी, मगर ये गोल्डन कार्ड कहीं अपीयर नहीं होता। लोग कहते हैं कि गोल्डन कार्ड का कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं, जब ले आते हैं गोल्डन कार्ड फिर उसको बोलते हैं कि उधर जा, उधर वाला उसको बोलते हैं दूसरी जगह जा, दूसरी जगह बोल वाला बोलता है उसको तीसरी जगह जा, एक महीना तो उसको ऐसे ही घुमाते हैं। तो फिर ये आयुष्मान भारत शायद इस स्कीम को कहते हैं, तो क्या मतलब है इसका सर? देखिए मैं आपको इसमें मुझे अपनी खुद की एक्सपीरियंस है, जब मैं ब्लॉक लेवल पर था, काम कर रहा था एस बी एम ओ, पहले था आयुष्मान भारत शुरू किया गया था, वो लिमिटेड लोगों के लिए था, कोई सर्वे हुई थी 5-6 साल पहले, उसमें सिलेक्टेड किया था उन्होंने इन इन अशखास को ये सहूलियात अंडर आयुष्मान मिलेंगी, जिसमें एक फैमिली के मेंबर को या दो मेंबर्स को अप टू 5 लाख इन ए ईयर तक इलाज मुफ्त फराम, एक ईयर में, तो दूसरे साल और 5 लाख। हाँ एक अच्छा। पहला वो था कि अगर किसी कुंबे में 5 बंदे, अब ये बीमार पड़ गया बदकिस्मत इसका बेटा या बेटी कोई, या कोई भी या फैमिली मेंबर, हाँ फैमिली मेंबर कोई, टोटल इस साल में इस फैमिली को 5 लाख तक अच्छा, जो भी ट्रीटमेंट फैमिली ट्रीटमेंट जिस भी मेंबर को टोटल 5 लाख तक। लेकिन खुशकिस्मती ये हुई पिछले साल हम इंडिया में पहले यूटी है या रियासत में जिनको अब इस कवरेज में ए टू जेड पॉपुलेशन 100% पॉपुलेशन, तो 100% पहले मैं आपसे इत्तफाक करूंगा, पहले हमारे गोल्डन कार्ड निकालने में थोड़ा दुश्वारियां दिक्कत थी बिल्कुल, मैंने प्रैक्टिकली देखा है बड़ी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन आज 95% बिल्कुल दिक्कत नहीं। एक कॉमन सर्विस सेंटर पर कुछ फॉर्मेलिटीज करके और सिर्फ 30 रुपया देकर आराम से आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड अंडर सेहत स्कीम निकलता। अगर इसमें 5% फैमिलीज ऐसे भी मैंने देखे जिनका नहीं निकलता है नाम, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने अब सोलह डिफरेंट वेबसाइट से वो लाए, इलेक्शन वोटर वगैरह वो बहुत से वेबसाइट से, उसमें से मैक्सिमम लोगों का निकलता है, फिर भी अगर नहीं निकलेगा 1-2% का, उनके लिए एक थोड़ी सी फॉर्मेलिटी 2-4 दिन में ख़त्म हो जाती है, वो एक फॉर्म भरना होता है, उसमें BDO साहब, BMO साहब, फिर CMO साहब के ऑफिस में जाता है, तो वो फिर इंक्लूड हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत आज की डेट में नहीं है। डॉक्टर साहब लोगों को वहम है उतनी देर मैं इस तरह से बात करूँ सर, शायद नाज़रीन समझेंगे, अगर मेरे पास गोल्डन कार्ड है मैं आया सर आपके बिल्कुल पास, इसको क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास आप देखेंगे इसको आरोग्य मित्र, हमारे पास बंदे इसके लिए अच्छा, आरोग्य मित्र के अच्छा अच्छा, इस बंदे को इसमें लेकिन अपनी लवाजमत है, कश्मीर में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, फॉर्मेलिटीज बंदे को मामूली तौर पर छाती खराब है, तो कफ है, उसको डॉक्टर साहब ने देखा, थोड़ा सा ट्रीटमेंट रखा 7 दिन के लिए, वो बोलता है मैं भी इसी में आ जाऊंगा, नहीं गाइडलाइन के हिसाब से मिनिमम 24 घंटे जो एडमिट होगा पेशेंट
उसका आयुष्मान कार्ड के तहत उसको सहूलियत फराहम होगी। अच्छा, इसमें अपनी अपनी गाइडलाइंस है, कौन सा ऑपरेशन है, कौन सा ट्रीटमेंट है, उसके लिए कितना मिलना है, और नकद देने में ये सीधा जाए, उसको सारी दवाई मुफ्त मिलेंगी, सब कुछ, फिर ट्रीटमेंट के लिए वो आएगा पैसा, पहले उसके लिए एडमिशन, बिल्कुल मार गाइडलाइंस जरूरी है। लेकिन मैंने जो देखा है 3 साल में, तो लोग आते हैं, मुझे ये जुकाम था, मैदे में दर्द था, मुझे भी कमर दर्द था, फॉर एग्जांपल आंखों की मामूली तकलीफ, जिसको ओपीडी बेस पर डॉक्टर साहब ने देखकर उसको 10 दिन के लिए दे, वो भी बोलता है मैं इस पे आऊं, लेकिन गाइडलाइंस में वो नहीं आते, नहीं आते। गाइडलाइंस में डिजीजेस बिल्कुल डिस्क्राइब की हुई है, और लवाजमात जो है मिनिमम 24 घंटे वो एडमिट होना जी, जो भी 24 घंटे एडमिट रहता है या 24 घंटे से ज्यादा, उसके सारे जो टेस्ट उसका ट्रीटमेंट वो गोल्डन कार्ड के रजिस्टर होकर बिल्कुल, लेकिन प्रोसीजर क्योंकि ये सब ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें फिर देखना पड़ता है जो इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट के साथ टाइप है, उनका भी वहाँ डॉक्टर साहब बैठता है, वो देखता है कि जेन्युइन है कि तभी पैसा आता। जी जी जी, तो इस सिलसिले में मैं लोगों से गुजारिश है कि वो ताउन दे और हमारी बात को समझे, हम गाइडलाइन से बाहर नहीं जा सकते जी सर, विद इन गाइडलाइंस हम जो भी होगा उसमें हम भरपूर लोगों को मदद कर सकते हैं, लोगों को सहूलियत फराहम कर सकते हैं, वो हमारी ड्यूटी है जी सर। लेकिन बियॉन्ड गाइडलाइंस हम नहीं जा सकते क्योंकि वो केस फिर रिजेक्ट होता है, अल्टीमेटली वो पैसा फिर नहीं आएगा क्योंकि इसमें मुख्तलिफ सतह पर मुख्तलिफ स्टेप्स पर अपनी अपनी जांच ज़रूरी होती है, जांच के बाद ही पैसा आता है जी सर। ये ऐसा नहीं है कि बंदा आया मुझे जी दर्द है मुझे 2000 की दवा मुझे दे दो 2000, ऐसा नहीं जी सर। एक प्रॉपर प्रोसीजर, डॉक्टर साहब USG यहाँ पे होता है, USG यहाँ पे बिल्कुल USG होता है, CT भी हो रहा है, MRI भी हो रहा है, बिल्कुल नहीं, MRI मैंने ऑलरेडी गुजारिश की, MRI की सहूलियत अभी नहीं है, अभी तक हमारे GMC में नहीं है, लेकिन CT हमारे 24 घंटा अच्छा बिल्कुल चलता है, MRI नहीं है, MRI हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं है, मगर होना चाहिए MRI, बिल्कुल उसके लिए बेसिक एमिनिटीज, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी गवर्नमेंट से टेकअप किया है, और पेट स्कैन भी होना चाहिए, पेट स्कैन की दूर की बात है, फिलहाल हम MRI की बात होना चाहिए, बहुत जरूरी होना चाहिए जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अल्ट्रासोनोग्राफी की फीस आपने यहाँ पे क्या रखी, ये गवर्नमेंट ने मुकर्रर की जो भी उसमें बाज़ाब्ता रेट लिस्ट है उससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी हमला खवातीन है उनको नहीं, या एक्सीडेंट जो इमरजेंसी बेस पर जिसका कोई साथ नहीं उनका हम फ्री करते हैं, हमला का हमेशा फ्री होता है, बाकी का बाज़ाब्ता एज पर गवर्नमेंट नॉर्मल जो है हर एक टेस्ट के लिए बाज़ाब्ता मुकर्रर किया गया फीस, उससे ज्यादा प्रोविद प्रॉपर रिसेप्ट इन ट्रिप्लीकेट उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हाँ, जैसे कि GMC का रेट है शायद 150 रुपए सोनोग्राफी का, जो भी रेट है जिस भी टेस्ट के लिए जो अच्छा, भी यहाँ पे मुझे ये बताना है दरअसल डॉक्टर साहब, अगर गवर्नमेंट का रेट है 150 रुपए, इसमें गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी होगा? नहीं, मेरे ख्याल में ये नो प्रॉफिट नो लॉस। आप देखेंगे अगर आप दिल्ली जाएंगे तो 800-900 लेते हैं, यहाँ भी 700 शायद लेते हैं। जी, ये तो मैं बात कर रहा हूँ, आप देखिए खुद 150 पर आ गए हैं, मशीन को मेंटेन, वहाँ उसमें जली लगती है, उसमें फिल्म अगर निकालनी पड़े फिल्म भी लगती है, और उसका मेंटेनेंस। तो मेरे ख्याल में उसमें हम लॉस में ही है, कोई प्रॉफिट में। अच्छा, प्राइवेट में इसका रेट क्या होना चाहिए डॉक्टर साहब, प्राइवेट में जाए? देखिए इसमें अपना पैनल बैठता है, मैं रेट नहीं मुकर्रर कर सकता, इसमें एक बाज़ाब्ता तौर एक कमेटी गवर्नमेंट में बैठती है, हर एक इन्वेस्टिगेशन के लिए कंसर्न बंदे लाए जाते हैं, कंसर्न जो माहिर हैं वो डिस्कस करके बाज़ाब्ता देख कर ये रेट्स मुकर्रर की जाती है। मगर किए नहीं आप, अब तक किए नहीं? नहीं, किए हैं गवर्नमेंट ने, मुझे याद है कि 4-5 साल पहले कुछ निकाला था मुझे। अच्छा, मुझे लेटेस्ट का पता नहीं प्राइवेट का, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में किसी जगह 700 ले रहे हैं, किसी 750, 800, किसी जगह 500 भी ले रहे हैं, बिल्कुल कोई रेट नहीं है। अरे असल में प्याज जैसे गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किए, लेकिन उस पर अमल हो रहा है कि नहीं
वो दूसरी बात, यही हाल सिटी का भी। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर हमारे सेक्टर में जीएमसी में बिल्कुल, आप अगर देखेंगे आप आइए कभी, मैं आपको रेट लिस्टिंग, उससे ज्यादा अगर एक रुपए भी किसी ने लिया उसको ना, नहीं लेते हैं, नहीं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बात करो, वो जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में सिटी का 1100,000 रुपए ले रहे हैं, वो प्राइवेट में 5,000 में डिपेंड करता है, कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट भी है, विदाउट कंट्रास्ट प्लेन है, यहाँ पर बिल्कुल मुकर्रर है। लेकिन प्राइवेट की मैं बात नहीं करूंगा, वो हद इख्तियार में, मेरे हद इख्तियार में नहीं है, वो आप मुख्तलिफ फोरम में गवर्नमेंट ने क्या लेटेस्ट उनका रखा है मुझे वो। इस पर डीसी साहब ने भी कहा था कि इसका रेट मुकर्रर करेंगे, मगर आप एक्चुअली इसमें दो तीन साल पहले इसमें रेट मुकर्रर हुई थी। अच्छा, मुझे आज की डेट में नहीं पता है कि आज की डेट में उसमें कुछ चेंजेस की गई है कि नहीं, उसके बारे में। अच्छा डॉक्टर, इंसाफ का तकाजा है, इंसाफ का तकाजा है, अगर उस गरीब से हम 500 रुपए ले लेते हैं जिसने एक दिन में 500 कमाए हैं, बिल्कुल, एक डॉक्टर साहब जो 100 पेशेंट देख लेता है रोज का, और 500 के हिसाब से वो 50,000 कमाए हैं, क्या वो जायज है? उसे ये फीस क्यों मुकर्रर क्यों नहीं? मैंने आपसे पहले ही ये अर्ज किया कि मैं चूंकि अगर आलू प्याज का रेट मेरे हद इख्तियार में नहीं है, प्राइवेट का काम नहीं है, लेकिन इंसाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन एज ये मामला तो डीसी साहब से भी उठाया है हमने, बिल्कुल ये होना चाहिए, मुकर्रर होना चाहिए किस लेवल का डॉक्टर है, कितना फीस होना चाहिए, ये मुकर्रर होना चाहिए, और उससे ज्यादा अगर कोई लेता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, जावेद साहब आपने मुझे लगता है पहले मेरी तबीयत खुशी, आपने बिल्कुल क्लियर जवाब दिए, इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश की कोई बात नहीं है, मुझे लगता है नाज़रीन भी समझ गए होंगे कि डॉक्टर साहब ने ये क्लियर नेटेड है, डॉक्टर साहब बिल्कुल साफ जवाब दिए हैं उसने। मगर एक चीज़ और मैं बताऊंगा डॉक्टर साहब, नशा आवर गोलियां हमारे जवान अक्सर ले लेते हैं, खराब हुए हैं, बर्बाद हुए हैं, हमारा जो फ्यूचर है, भविष्य है, तबाह हो गया है, तो कोई क्या कहेंगे आप, कोई मशवरा, कोई पैगाम उनके लिए? देखिए आप जानते इसमें हम भी हैं, सब कश्मीर के हालात से आप बखूबी वाकिफ हैं, आप मेरे हमसाये भी हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं, आप 100% सब जानते हैं यहाँ के हालात ने हमें कहाँ तक पहुँचा है। बदकिस्मती से नौजवानों ने अब एक तो अपनी इबादत में भी नहीं करते, अपना काम भी नहीं प्रॉपरली करते हैं, और इस वबाई मर्ज में मुब्तला हुए हैं। मेरी अवाम नास से, वालदीन से खासकर, वो अपने बच्चों निकलने की कोई निगाह रखे, थोड़ा सा देखे, हम दिन में सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम बीच में हमें वेरीफाई करना पड़ रहा है अपने बच्चों की कार, यहाँ पर कोई काउंसलिंग है उनके? बिल्कुल, हमारे साइकेट्री डिपार्टमेंट है, आप अगर आप दो दिन लेट आए, परसों यहाँ एडिक्शन यहाँ कैंप चल रहा था, और रिसेंटली हमने दो दिन पहले कम्युनिटी मेडिसिन ने विद द हेल्प ऑफ सेक्रेटरी हमने कलंतरा, चूंकि हमारा रूलर पीएससी आता है इसमें, वहाँ पर हमने एक बहुत बड़ा कैंप दो दिन पहले ही जस्ट किया, उसके फोटोग्राफ भी परसों आए थे, पूरे दिन वहाँ हमने नौजवानों बुजुर्गों को थोड़ा सा अवेयर किया उस बारे में कि ये कितनी खतरनाक, ये हमें कहाँ तक ले जाएगी, हमारा मुस्तकबिल कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो वक्तन फवक्तन हमारे यहाँ पर भी ये एक ये थी क्विज, आज भी शायद कि कल था शायद, मुझे लगता है क्विज एक भी था इस बारे में, MBBS स्टूडेंट्स जो हमारे 200 इस वक्त हैं उसमें भी बढ़ चढ़ कर लोगों ने, इन स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया, फैकल्टी ने, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट या GMC मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट वक्तन फवक्तन हमेशा ये सेमिनार्स वगैरह करते हैं डिफरेंट लेवल पर, कहीं गांव में, कहीं PHC में, कहीं GMC लेवल पर, लेकिन ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस हमारी रहती है। तो रिसेंटली मैंने आपको हवाला दिया कलंतरा, आप मालूम भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, लेकिन अवामुन्ना से ये गुजारिश है अगर वालदीन इसमें तवज्जो नहीं देंगे अपने बच्चों की तरफ तो फिर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते बदकिस्मती से, क्योंकि हालात भी अच्छे नहीं हैं। नहीं है। तो एक तो अगर हम अपने अखलाकियात पर ज़्यादा तवज्जो दें, और हम काम में पढ़ाई में बच्चे को अगर पढ़ाई करनी है उसको पढ़ाई,
की तरफ ज्यादा मायल होना चाहिए, साथ साथ खेल कूद, साथ साथ इबादत में अगर वो पांच वक्त नमाज पढ़ेगा, अगर वो दीनी तालीम भी हासिल करेगा, मेरे ख्याल में उसका किरदार बेहतर से बेहतर बनता जाएगा। लेकिन इबादत के साथ साथ हमें दुनियाई चीज़ें भी अच्छी तरह पढ़ाई करनी है। थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती है लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हालात कभी होते हैं, कभी ऐसे फोर्स करते हैं, एनवायरनमेंट में कुछ एलिमेंट्स गलत होते हैं, तो हमें जब अपने बच्चों पर हम नज़र रखेंगे तो हम बर वक्त उसमें हम मुदाखलत करके बच्चे को इस वबाई इस तबाही से बचा सकते हैं। जी बिल्कुल सर। लेकिन अगर हम मशगूल रहे अपने कमाने में ही या काम काज में, तो फिर बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं। फिर ऐसा वक्त आता है बहुत वालिदैन के साथ कि ऑलरेडी वो बहुत उसमें डूबा हुआ होता है, निकलना मुश्किल है। उसको निकालना वो भी एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपसे हम रुख्सत ले रहे हैं अपने आखिरी पैगाम में, उन डॉक्टर साहबान के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो सोशल वर्कर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उस पैरामेडिकल स्टाफ को जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं या सही तरह से नहीं कर रहे हैं, और लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप, उनको किस तरह की अवेयरनेस आप लोगों को देना चाहेंगे इस प्रोग्राम की वसादत से? देखिए, मेरे सभी डॉक्टर साहबान से ये गुजारिश है, जिसको प्रैक्टिस अलाउ है गवर्नमेंट की तरफ, वो अपना प्रैक्टिस भी करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसको अलाउ नहीं है वो नहीं करे। और प्रैक्टिस उनको अलाउ है आफ्टर 4:30 बिफोर 9:30। अब जिसको नहीं है उसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल तनख्वाह भी अच्छी खासी है हर एक मुलाजिम की, मेडिकल की नहीं। लेकिन हमें ये देखना है हमें लास्ट में हमें क्या होता, अल्लाह ताला के पास सबको जाना, नजात दे अल्लाह नजात, तो वहां पर हिसाब देना है, देना ही देना है। बुरे कामों का बुरा नतीजा, अच्छे कामों का अच्छा नतीजा। मेरी अब मैं मेरे बहुत से उस्ताद हैं, उनमें डॉक्टर साहब मैं क्या उनको सिखा, शमा को सूरज को शमा दिखाने के बराबर है। लेकिन अगर हम अपनी अपना काम कुछ उसलूबी से करें तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लोगों से ये इस्तेदा है कि वो अपनी कि वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा मुतवज्जा हो जाए, गवर्नमेंट सेक्टर को मजबूत बनाए। हाँ, हो सकता है, हम नहीं कहते हैं कि हम 100% देख सकते हैं। फिर ऐसा ना हो कि हमारे सुकूनों जैसा हाल होगा। बिल्कुल, हम 100% नहीं दे सकते, लेकिन जितना फायदा उठा सकते हैं लोग क्यों नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये टैक्स पेयर होता है, ये हमें भी तनख्वाह देता है, ये बीमार जो आता है ये टैक्स पेयर होता है डिफरेंट तरीके से, तो ये पैसा लगता है इसी में, इसी को डॉक्टर देता है तनख्वाह गवर्नमेंट को, तभी वो उसकी खिदमत करेगा। यहाँ ये दो तरफा मामला है। अब कहीं कहीं पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसका अजाला हम करेंगे जब हमारे पास प्रॉपर शिकायत आएगी, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अंडर रूल्स हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला तो हम करेंगे फिर गलत निकला, इसमें प्रॉपर फोरम होता है। डॉक्टर साहब, कोई हेल्पलाइन लोगों के लिए? हेल्पलाइन हमारी, हम यहाँ पर देखिए हमारे जीएमसी में आप देखेंगे हमारे पास तकरीबन 14 के 13 अगर मैं गलत नहीं होगा कैजुअल्टी मेडिकल अफसरान होते, उनका काम ये होता है जैसे आप शाम को आए तो अगर आपको डिफिकल्टी हुई, इलाज करने के लिए अलग अमला है, पैरामेडिकल भी है, कंसल्टेंट भी है, मेडिकल ऑफिसर भी है, सब कुछ है। लेकिन अगर कुछ दुश्वारियां आती है एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में कुछ दिक्कत आ रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने इसको कुछ बोला ये करने के वहाँ बंदा नहीं है कि, तो वहाँ पर हमारा अमला हमेशा रहता है कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर उसको कहते हैं। अच्छा अच्छा। उसका काम ये है कि लोगों को वो शाम के टाइम और टाइम में रात के वक्त सुबह वो हमेशा यहाँ दस्तियाब होता है। आप इस वक्त भी नीचे जा सकते हैं, वहाँ आप देखेंगे CMO उसको बोलते हैं, CMO कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर, वो लोगों के लिए वहीं पर होता है। किसी से भी अमले से पूछेंगे CMO साहब कहाँ है कैजुअल मेडिकल, वो बोलेंगे उनको इस कैबिन में, वहाँ जा सकते हैं। उसके बगैर भी दिन में मेरे पास मैं कम से कम 50-60 शिकायतें जो आती हैं हम उसका
उसी टाइम या तो अजाला करते हैं, अगर ज़्यादा गंभीर हो तो उसमें 2-3 दिन लग कर हम उसका, ताकि वो रिपीट ना हो जाए, हम हमेशा दस्तियाब यूजुअली रहते हैं। अब कभी कभार अगर हम किसी बिजी दूसरे शेड्यूल में बिजी हो तो कैजुअल्टी मेडिकल अफसर दो बंदे मेडिकल कॉलेज में होते हैं, दिन रात होते हैं। कभी भी आप जाए आप देखिए, अगर नहीं होंगे आप मुझे बताइए। बिल्कुल 14 डॉक्टर साहब तो वो लोगों के लिए है, ताकि वो रास्ता दिखाते हैं उनको क्या करना है, इसमें क्या करना है, या फैसिलिटेट करते हैं पेशेंट को, पेशेंट के। बिल्कुल सर, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब का हम नाज़रीन शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने प्रोग्राम में भरपूर हिस्सा लिया और भरपूर तरीके से भी जवाब दिए हैं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल क्लीन हार्टेड है और बिल्कुल साफ गोई से इन्होंने जवाब दिए हैं। अगर आपको कोई शिकायत है, शिकवा है या कोई चीज़ इनसे पूछना बाकी रहेगी, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम इनसे ज़रूर पूछेंगे। तो आपको प्राइवेट सेक्टर के बजाय, ये डॉक्टर साहब का कहना है या हमारी भी रिक्वेस्ट है या डॉक्टर साहब की भी रिक्वेस्ट है, प्राइवेट सेक्टर के बजाय आपको गवर्नमेंट सेक्टर को मजबूत करना है, ये इन हॉस्पिटलों को मजबूत करना है, ये आपके हैं और ये डॉक्टर साहबान आपके हैं और आप यह आपका हॉस्पिटल है। ऐसा न हो कि हमारे इन हॉस्पिटल्स का हाल वैसा ही हो जाए जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूलों का हुआ होगा, कि वहाँ हमारे जो उस्ताद है वो पढ़ाते तो गवर्नमेंट स्कूलों में, मगर अपने बच्चों को भेज देते हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने। आप लिहाजा हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह अगले मुलाकातों में फिर कोई जो भी मामला मसला होगा तो इनसे पूछ लेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।